सो लेट अस रिवाइज द चैप्टर ऑफ रिफंड अब रिफंड में अपने को तीन चीजें देखनी है ओके okay? सबसे पहला पार्ट है रिफंड को कंप्यूट कैसे करना है ओके okay? उसमें भी दो पार्ट है ठीक है रिफंड को कंप्यूट करने में दो पार्ट है सबसे पहला सबसे पहला पार्ट इन रिफंड कंप्यूटेशन इज फॉर जीरो सप्लाईज ठीक है देन इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर देन डीम्ड एक्सपोर्ट एंड मर्चेंट एक्सपोर्ट ये चार एक पार्ट है रिफंड कंपटेशन का एक पार्ट है ये चार एंड देन कम्स अदर सर्कमस्टेंसेस अदर सर्कमस्टेंसेस मतलब क्या रिफंड वाउचर का रिफंड ओके okay? या फिर आपने रॉन्ग टैक्स पेमेंट किया है या फिर आप लोग अपील में जीत गए हो ओके okay? या फिर प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर फाइनल असेसमेंट ऑर्डर वाला रिफंड ओके okay? तो ये सब हो सकता है देन थर्ड पार्ट इज द प्रोसीजरल पार्ट कि कितने टाइम में अप्लाई करना है आपको क्या रिलेवेंट डेट रहेगा एंड सोहन ओके रिलेवेंट डेट में अपन खाली इंपॉर्टेंट वाले देखेंगे सब नहीं देखेंगे सबेंगे रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज आई क्लेम्ड ओनली इन टू सर्कमस्टेस ओके रिफंड ऑफ अनयटिलाईज आई टीसी कैन बी क्लेम्ड इन टू सर्कमस्टांसेस कौन से दो तो है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और सप्लाइज टूट दैट इज बेसिकली

जीरो रेटेड सप्लाईजन इज आप एलयूटी ऑप्टेन कर लो ओके यू ऑप्टेन एलयूटी फ्रॉम द डिपार्टमेंट ओके एंड एक्सपोर्ट करो जी एस टी पे मत करना बिकॉज एज पर सेक्शन नंबर ऑफ आई जी एस टी एक्ट ओके जीरो नंबर टू सबसेंग गुड्स आउटसाइड इंडिया Export of services means section number two, subsection six, five conditions to be fulfilled. Okay, supplies to asset. ये तीन चीजें zero rated supply हैं. अब zero rated supplies करना उसके लिए दो option हैं. पहला LUT के under, second without LUT. अगर आप LUT के under करोगे, तो आपको tax का payment कुछ भी नहीं करना है, बल्कि आपको ITC का refund दिया जाएगा. ठीक है? किस तरीके से मिलेगा refund? उसका formula है. एकदम simple formula. Okay, basic mathematics.

एडजस्टेड टोटल टर्न ओवर ओके नेट आई टी सी में सिर्फ दो ही चीजें लेनी है रिफंड नहीं मिलेगा आई टी सी मिलेगा रिफंड नहीं मिलेगा समझ में आया सो नेट आईटीसी फॉर द पर्पज ऑफ रूल एटी नाइन फोर दट इज जीरो विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स नेट आई टी सी इज इनपुट एंड इनपुट सर्विस ओके एंड जो एटी नाइन फोर ए फोर बी का जो आई टी सी होगा वो आपको यहाँ पर एड नहीं करना समझ में एटी नाइन फोर ए फोर बी क्या है वो अपन बाद में देखेंगे ओके okay? अभी छोड़ दो उसको इनपुट्स इनपुट सर्विसेज को आपको लेना है सिर्फ कैपिटल गुड्स नहीं लेंगे अब बात करते हैं न्यूमरेटर का ठीक है जो टर्नओवर फॉर जीवर सप्लाई गुड्स और सर्विस है वो न्यूमरेटर <coughs> उसमें गुड्स गुड्स का जो एक्सपोर्ट का टर्नओवर है उसको अपने को कैसे कंप्यूट करना ओके okay? इसमें कहा जाता है कि जो भी गुड्स आपने एक्सपोर्ट किया है एलयूटी लेंगे तो सवाल ये उठता है कि अगर हमारे पास LUT है तो क्या हम विदाउट एलयूटी वाला सेल कर सकते हैं आंसर इज यस कर सकते हैं ओके सो फॉर एग्जांपल रेलेवेंट पीरियड इज से जनवरी फेबर मार्च इस पीरियड में आपने जनवरी में एंड मार्च में एल के अंडर क्या फेब्रुवरी में आपने एलयूटी के अंडर नहीं किया तो यहां पर जनवरी एंड फेब्रुवरी

ओके okay. मतलब न्यूमरेटर में गुड्स में एक्सपोर्ट्स अंडर एलयूटी और वन पॉइंट फाइव टाइम्स इज लोअर में जो वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स अंडर एल यू टी है उसमें अपने क्या लेना है शिपिंग बिल और इनवाइस वैल्यू इज लोअर आया है समझ में ओके कमेंट बॉक्स पे लिखो न्यूमरेटर में मैंने गुड्स कवर किया अब तक ओके okay. ठीक है स्पीड इज ओके राइट स्पीड बराबर है इससे फास्ट पढ़ाऊंगा तो कुछ नहीं समझेगा ठीक है अब अब बात करते हैं का। सर्विस तो के लिए हम लोग ने एक यार्डस्टिक बनाया है that is called as consideration. अगर आपको पैसा मिला फॉर सर्विसेस प्रोवाइडेड इट इज कॉल्ड एज सर्विसेज प्रोवाइडेड ठीक है मतलब कंसिडरेशन आया इज द प्रूफ ऑफ सर्विसेस प्रोवाइडेड सो so, जो मंथ में भी आपको कंसीडरेशन मिलेगा उस मंथ का हम टर्न बनाएंगे अगर जनवरी का इनवाइस का पैसा फेब्रुवरी में आया सो इट वुड बी फॉर्मिंग पार्ट ऑफ फेब्रुवरी और अगर एडवांस आपको मिलता है ओके okay, मतलब कंसीडरेशन पहले मिला अब तक आपको आपने सर्विस नहीं दिया तो जो टाइम पे आप सर्विस दोगे उस टाइम पर वो ऐड किया जाएगा ओके okay. मतलब अगर सर्विस पहले हुआ कंसीडरेशन बाद में तो कंसीडरेशन के जो मंथ होगा उसमें ऐड होगा और अगर कंसीडरेशन पहले है सर्विस बाद में तो जो दिन जो मंथ में आपने सर्विस दिया उस मंथ में ऐड होगा समझ में आया सो दोनों कंडीशन जब फुलफिल हो जाएंगी तब ऐड किया जाएगा डिवाइडेड बाय एडजस्टेड टोटल टर्नओवर एडजस्टेड टोटल टर्नओवर मतलब टोटल टर्नओवर बट इट शुड एक्सक्लूड 80N 4A 4B टर्नओवर एंड एग्जम्प्ट सप्लाई एंड जीएसटी ओके

है तो ठीक है ओके okay. सेकंड चीज किससे कंपेयर करेंगे जो पीरियड में हमने एक्सपोर्ट किया है उस पीरियड का रिटर्न फाइल करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्या उतना बैलेंस बचा था वो टाइम पर ओके अगर इन दोनों के लिमिट के अंदर ये आंसर आता है तो हमको पूरा मिलेगा ओके अदरवाइज इट वुड बी रेस्ट्रिक्टेड अप टू द बैलेंस एज ऑन द डेट ऑफ फाइलिंग रिफंड और

क्या होता है टोटल चार आइटम्स को हमने डीम्ड एक्सपोर्ट के कैटेगरी में डाला है सबसे पहला सप्लाई अगेंस्ट एडवांस ऑथोरेशन किसी के पास एडवांस ऑथोरेशन है और मैं उस पर्सन को बेच रहा हूं या फिर किसी के पास एपीसी जी का होल्डर है वो ठीक है एपीजी स्कीम उसके पास है और मैंने उसको कैपिटल गुड्स बेचा या फिर मैंने ईओयू को सेल किया या फिर मैंने गोल्ड बेचा है ओके अंडर एडवांस ऑथराइजेशन ओके टू पब्लिक सेक्टर बैंक सो दिस फोर एक्टिविटीज आर डीम एक्सपोर्ट्स सपोजिंगली मिस्टर बी इन दिस केस व्हाट यू आर एबल टू सी ओवर इज अ ईओयू एनए इज अ ए ने बी को बेचा 1 लाख का गुड्स 18000 का जीएसटी लगा बराबर अब गवर्नमेंट क्या बोलता है जो ईओयू है वो एक्सपोर्ट ही करने वाला है जिसके पास एफ का एडवांस का लाइसेंस है वो भी एक्सपोर्ट करने वाला है ईपीसीजीबी होल्डर जिसके पास है वो भी एक्सपोर्ट गुड्स बना के एक्सपोर्ट करेगा बराबर है तो बेसिकली ए जिस पर्सन को बेच रहा है वो पर्सन एक्सपोर्ट ही करने वाला है एट द एंड समझ में आया तो यहां पर ए को या फिर बी को इधर सप्लायर और रिसिपेंट कैन क्लेम रिफंड किस तरीके से करेंगे सुनो अगर ए ने जीएसटी अमाउंट चार्ज किया है एंड बी से कलेक्ट भी किया इफ मिस्टर ए हैज चार्ज जो भी ये टैक्स का इंसिडेंस है वो किसने बेयर किया है बी ने तो यहाँ पर रिफंड किसको मिलेगा बी को मिलेगा समझा और अगर इंसिडेंस पास ऑन नहीं किया होता सेकेंड केस में देखो अगर

ओके okay. पर जो मैन्युफैक्चरर ने गुड्स खरीदा होगा उसको तो लोगों ने अट्ठारह परसेंट बारह परसेंट अट्ठाईस परसेंट लगा के दिया रहेगा सो मर्चेंट एक्सपोर्ट ने जो आउटवर्ड किया उसके ऊपर रेट जीरो पॉइंट वन परसेंट ना के बराबर लेकिन जो मर्चेंट एक्सपोर्ट ने परचेस किया उसके ऊपर बहुत बड़ा बड़ा होगा टैक्स अमाउंट बराबर तो यहां पर मर्चेंट सॉरी यहां पर मैनुफेक्चर को एक्मोलेशन ऑफ आई का प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा ओके सो हियर मैन्युफैक्चरर कैन क्लेम रीफंड अंडर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर अंडर रूल 89.5, वैरास मर्चेंट एक्सपोर्टर पेयिंग जीएसटी ऑफ रुपीस 100, डेट इस 0.1 परसेंट टू मैन्युफैक्चरर, डेट मर्चेंट एक्सपोर्टर वुड बी एलिजिबल टू क्लेम रीफंड अंडर रूल 89.4 बी, डेट इस मर्चेंट एक्सपोर्ट्स, समझ म

आईटीसी okay, बढ़ते जाएगा इसीलिए रिफंड ऑफ अनयूटिलाईज आईटीसी अपने को इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में में भी मिलता है आया समझ ओके okay. अब मान के चलो अगर मेरा इनपुट पे रेट है आउटपुट पे रेट जीरो परसेंट सो गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्टली बोल दिया कि अगर आपके आउटपुट पे जीरो परसेंट रेट है देन यू कैन नॉट क्लेम रिफंड ऑफ एक्यूलेट आई टीसी अंडर रूलेट इन क्यों क्योंकि आपने एग्जाम्स अप्लाई किया एग्जाम सप्लायर को कोई रिफंड नहीं मिलता समझ में अगर एग्जाम सप्लायर एक्सपोर्टर है तो रिफंड मिलेगा लेकिन एग्जाम सप्लायर विद इन इंडिया सप्लाई कर रहा है तो नो रिफंड नो आई समझा और इसमें और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट करूंगा अगर आपने परचेस किया है से फाइव परसेंट टैक्स रेट पे करके ओके एंड इससे आप तीन चीजें बनाते okay. Assuming... थोड़ा इसका एग्जाम्पल चेंज करता हूँ आपने परचेज किया बारह परसेंट पे करके अठारह परसेंट पे करके अट्ठाईस परसेंट पे करके ओके okay? ये आपका परचेस का रेट से एंड इससे जो गुड्स आप मैन्युफैक्चर करेंगे दैट गुड्स आर टू तो बी सोल्ड एट इसमें एक 5 भी ले 5 भी ले रहा सो इतने सारे रेट ऑफ टैक्स से आपने गुड्स परचेस किया एंड आपके आउटपुट पे रेट है फाइव परसेंट सो सवाल ये उठता है कि रिफंड अपने को ट्वेल्व एटीन ट्वेंटी एट का मिलेगा

या फिर लोअर रेट है वो लिया जाएगा में अस सी व्हाट इज द फॉर्मूला एज पर रूल नेट आईटीसी फाइव इनवर्टेड का जो भी टर्नओवर माइनस टैक्स पेड ऑन इनवर्टेड टर्नओवर नेट आईटीसी में क्या क्या लेंगे नॉट इवन इनपुट सर्विसेज हम 894 के लिए इनपुट्स एंड इनपुट सर्विस लेते थे 895 के लिए सिर्फ और सिर्फ इनपुट्स लेंगे इनपुट्स का आईटीसी आया समझ में नेट आईटीसी मतलब इनपुट्स का आईटीसी इनटू इनवर्टेड टर्नओवर दैट इज नथिंग बट जो भी आपका ये 5% का टर्नओवर अगर पूरा का पूरा ये टर्नओवर है तो ऊपर नीचे दोनों सेम आएगा ओके अगर आपका 18% पे भी कुछ सेल हो रहा है तो आपको ऊपर सिर्फ 5% वाला सेल डालना है एंड नीचे एडजस्टेड टोटल टर्नओवर मतलब टोटल सेल्स ओके ऑन इनवर्टेड टर्न ओवर जितना इनवर्टेड पे, पे पेमेंट किया है को tax, से पेमेंट होगा, तो इसमें से माइनस कर लोटीसीड टर्न सो वॉटर आंसर दिस अगेन कौन सा दो चीजें था जो दिन आप रिफंड क्लेम करें उस दिन आपके पास बैलेंस कितना है एंड जो दिन आपने ये मतलब ट्रांजेक्शन किए थे ये पीरियड के उस पीरियड के एंड आपके पास आई का बैलेंस कितना था okay. अगर उन दोनों के अंदर है ये रिफंड का फॉर्मूलाट विथ रिफंड कंप्यूटेशन का फर्स्ट पार्ट देट इज जीरोक्सपोर्ट मर्चेंट एक्सपोर्ट एंड इनोटेड्रास्ट्रक्चर इज दिस वेरी क्लियर टू एवरी वन इन चैट बॉक्स आपको सब कुछ समझ में आया ये yes नोके no. okay. तो अपना यहां पर इस चार्ट में देखेंगे तो पहले चार पेज हो चुके ओके पहले चार पेज हो गए चार्ट में जितना भी मैंने बीस मिनट में सीखा उतना चार पेज में लिखा हुआ है ओके एग्जाम्पल्स डॉक्यूमेंटेशन डॉक्यूमेंटेशन में कुछ है ही नहीं इतना ओके वो मैं अभी नहीं बताऊंगा इसमें यहां पर है अगर आपको चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो या तो फिर आपको एक्सेस दिया हुआ है ना वो पीडीएफ का उसमें से आप लोग पढ़ लेना ओके इट इज वेरी इजी नॉर्मल अब बात करते हैं अदर सरकमस्टेंसेज की अपन ने कितने पार्ट में इसको थोड़ा था तीन पार्ट में सबसे पहला पार्ट क्या था रिफंड कंपटीशन का पहला पार्ट 894A 4B 895 एंड 894 ओके okay. तो ये चार अपन ने देख लिए अभी अदर सरकमस्टेंसेस रिफंड वाउचर ओके okay, रिफंड वाउचर जिसमें इनवॉइस इशू नहीं हुआ है ओके okay. मतलब मैंने आपसे पैसा लिया एडवांस ओके okay. एडवांस लिया तो रिसीप्ट वाउचर बनाया अब सर्विस नहीं देने वाला हूं तो रिफंड वाउचर बनाऊंगा

आपको डिक्लेरेशन देना होगा सेल्फ डिक्लेरेशन कि इंसिडेंस हमने पास ऑन नहीं किया ओके लेकिन लेकिन कुछ ऐसे है जहां पर सेल्फ डिक्लेरेशन नहीं लगेगा ओके कौन सी है वो पढ़ते उसके बाद सर्टिफिकेट का एक पॉइंट भी बताऊंगा एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस ऑन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी और विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी दोनों में आपको डिक्लेरेशन देने की जरूरत नहीं ओके रिफंड वाउचर में जरूरत नहीं है रिफंड ऑफ रॉन्ग टैक्सपेट में जरूरत नहीं एंड अन्य नोटिफाइज ओके और अगर इसको छोड़ करके दूसरा कोई केस है देन इन दैट केस आपको इंश्योरेंस पास ऑन का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा ओके okay. आपने इंश्योरेंस पास ऑन नहीं किया प्रूव करना पड़ेगा और अगर अप टू टू लैक है तो सेल्फ डिक्लेरेशन पे काम चल जाएगा अगर टू लैख के ऊपर है तो सी ए सर्टिफिकेट लगेगा समझ में अब बात करते हैं कि गवर्नमेंट रिफंड आपके अकाउंट में देगा या फिर कंज्यूमर वेलफेयर फंड में देगा आप लोग को रिफंड आपके बैंक अकाउंट में दिया जाएगा कौन से सरकम स्टैंसेस सुनो ध्यान से जो पांच अपन ने अभी देखे ना ये पांच तो है ही है प्लस और एक है जहां पर पास नहीं हुआ बस

वो लोग जो सेल करते हैं दैट इज एक्सप्ट जो भी रिटेल आउटलेट्स हैं ठीक है वो लोग जो भी अगर एलिजिबल पैसेंजर को बेचेंगे तो उसके ऊपर जीएसटी उनको पे नहीं करना एज पर नोटिफिकेशन नंबर इलेवन ऑब्लेक्ट टू थाउजेंड सेवेंटीन सेंट्रल टैक्स रेट ओके okay, तो इन लोग को पेमेंट नहीं करना पर ये लोग, तो so, लोग okay, रिफंड भी दिया जाएगा समझ में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलिजिबल पैसेंजर एलिजिबल पैसेंजर मतलब फॉरेन टूरिस्ट जो इंडिया में छह महीने से ज्यादा के लिए नहीं आया था फॉर लेजिटिमेट नॉन इमिग्रेंट परपजेस ओके ऐसे अपन बोलते हैं है तो रिफंड है, दिया जाएगा ओके okay? कुछ डॉक्यूमेंटेशन होते हैं वो आपको सबमिट करने पड़ेंगे दैट इज पैसेंजर का नाम नेशनलिटी कब आया था कब गया कितना क्वॉन्टिटी बेचा क्या रेट पे बेचा क्या इनवाइस वैल्यू हुआ एंड सो ऑन ओके इसमें कुछ कंडीशन है और क्या कंडीशन है जो भी परचेज रिटेल आउटलेट ने किया होगा इट अंडर टैक्स उनका नाम होना चाहिए जीएसटी इंपॉर्टेंट केसेस ऑफ रेलेवेंट डेट आपको रिफंड एप्लीकेशन करना है अगर तो आपको कितने टाइम में करना होता है विद इन टू ईयर्स फ्रॉम रेलेवेंट डेट विदिन टू फ्रॉम रेलेवेंट डेट ओके सो टू ईर्स कहाँ से लेना है वो डिस्कशन अगर आपका एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स का कैसे वेसल्स है ठीक है मतलब सी से देन इन दैट केस लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर से दो साल में करना है अगर आपका कैसे लैंड से एक्सपोर्ट तो लैंड कस्टम स्टेशन जब भी क्रॉस किया तब से लेकर के दो साल में अगर पोस्ट से किया तो जो दिन डिस्पैच हुआ उधर से दो साल में ओके नेक्स्ट एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज अगर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस है तो कंसिड्रेशन और इनवाइज इज लेटर से दो साल में रिफंड के लिए आपको अप्लाई करना होगा ओके एंड अगर आपका रिफंड क्लेम बनता है इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का तो जो भी रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट होगा उधर से लेकर के दो साल के अंदर आपको अप्लाई करना होगा समझ में सो यर बी कवर विद इंपॉर्टेंट केसेस ऑफ रिलेवेंट डेट अब बात करते हैं प्रोसीजर की प्रोसीजर फॉर रिफंड इंपॉर्टेंट है सुनो आपको रिफंड के लिए एप्लीकेशन करना होगा विद इन टू ईयर्स फ्रॉम रिलेवेंट डेट कितने टाइम में करना है विद इन टू ईर्स फ्रॉम रिलेवेंट डेट ओके आप जैसे ही रिफंड के लिए अप्लाई करेंगे ओके okay? अगर रिफंड रिफंडलाइज आई टीसी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से डेबिट एंट्री पास हो जाएगी विद इन टू ईयर आपको क्या करना है रिफंड के लिए अप्लाई करना है. आपके एप्लीकेशन के अगले पंद्रह दिन के अंदर अंदर ओके okay? आपको या तो एक्नोलेजमेंट मिलेगा या तो डेफिशिएंसी मेमो मिलेगा एक्नोलॉज मतलब डिपार्टमेंट ने आपका रिफंड क्लेम देखा है दैट इज ऊपर से देखा है। आपने क्या अप्लाई किया वो देखा डॉक्यूमेंट्स सारे अटैच किए क्या नहीं किया स्क्रूटिनाइज नहीं किया सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन अगर आपका कंप्लीट है तो आपको एक्नोलॉजमेंट दिया जाएगा विद इन फिफ्टीन डेज ओके और अगर आपका डॉक्यूमेंटेशन इनकम्प्लीट निकला तो आपको डेफिशिएंसी मेमो मिलेगा मतलब आपके इसमें एक डॉक्यूमेंट कम था आप अटैच करो यू हैव टू अटैच इट लेकिन सिर्फ अटैच करने से काम बनेगा क्या नहीं गवर्नमेंट से सिर्फ अटैच नहीं करना आपको रिफंड एप्लीकेशन दोबारा करना यू हैव टू अप्लाई फॉर फ्रेश रिफंड ओके अगर एक डॉक्यूमेंट कम निकला डिफिशियंसी मेमो मिलेगा डिफिशियंसी मेमो मिलने के बाद आप लोग को फ्रेश एप्लीकेशन करना पड़ेगा ओके okay? समझ में आया सो फ्रेश एप्लीकेशन करो आप वापस से और मान के चलो आपको एक्नोलॉजमेंट मिल गया एक्नॉलेजमेंट so, मिलने के बाद अगले सात दिन के अंदर अगर डिपार्टमेंट चाहे तो आपको प्रोविजनली रिफंड दे सकता है इन केस ऑफ जीरो रेटेड सप्लाईज प्रोविजनल रिफंड मिल सकता है ओके okay. अगर आपके ऊपर ढाई करोड़ के ऊपर का कोई केस नहीं बना है तो ही आपको प्रोविजनल रिफंड दिया जाएगा एंड प्रोविजनल रिफंड वुड बी अवेलेबल इन केस ऑफ इन केस ऑफ रेटेड सप्लाईज आया समझ में सो so, सबसे पहले मैंने क्या बोला टू ईयर्स में रिफंड अप्लाई करो उसके अगले पंद्रह दिन में आपको एक्नोलेजमेंट मिलेगा या फिर डेफिशिएंसी मेमो एक्नोलमेंट मिल गया तो अगले सात दिन में जीरो टेड सप्लाई का केस होगा तो नाइन्टी परसेंट आपको रिफंड दिया जाएगा ओके ऑन प्रोविजनल बेसिस ऑन प्रोविजनल बेसिस ओके अगर ऑफिसर को लगता है कि आपको देना चाहिए तो नाइन्टी दे सकता है सेवन डेज फ्रॉम एक्नोलेजमेंट आप सेवन डेज फ्रॉम एक्नोल नाइन्टी से ज्यादा देना है दे सकता है कम देना है दे सकता है उसके हिसाब से 60 जो दिन आपने अप्लाई किया उधर से 60 डेज में गवर्नमेंट प्रॉमिस करता है कि हम आपको रिफंड देंगे अगर नहीं दिए तो 6 परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा आपको फ्रॉम सिक्सटी फर्स्ट डे डेट ऑफ रिफंड 6 परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा ओके समझ में आया टू ईयर्स में अप्लाई करना है अगले पंद्रह दिन में एक्नोलेजमेंट या फिर डेफिशियम

आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में वापस से रिक्रेडिट किया जाएगा जो डेबिट हुआ था पहला पॉइंट समझ में आया नेक्स्ट अगर मान के चलो रिफंड आपको बनता है देना बनता है रिफंड ओके okay. तो यहां पर गवर्नमेंट सबसे पहले पेमेंट ऑर्डर बनाएगा क्या बनाएगा पेमेंट ऑर्डर ओके पेमेंट ऑर्डर सैंक्शन ऑर्डर ये दोनों चीजें बनती है अभी सैंक्शन ऑर्डर एंड पेमेंट ऑर्डर में क्या फर्क है वो सुनो मान चलो आपने सौ का रिफंड क्लेम किया था ओके okay. गवर्नमेंट को लगता है कि हाँ, आप सौ के लिए एलिजिबल हो तो सौ का आपका ऑर्डर ऑर्डर बनेगा दैट इज रिफंड लेकिन गवर्नमेंट ने आपका केस को थोड़ा एनालाइज किया एंड देखा पिछले साल आपने कुछ टैक्स का पेमेंट नहीं किया था जो दस रुपया आपका बाकी था सो so, टेन रुपीज यहाँ पर हम माइनस कर लेंगे आपको नेट रिफंड हम सिर्फ नाइन्टी का देने वाले क्योंकि पहले आप हमको देने के थे तो यहाँ पर नाइनटी का बनेगा पेमेंट ऑर्डर समझ में आया सो पेमेंट ऑर्डर कि सौ रुपए का आपने रिफंड क्लेम किया लेकिन हमको लगता है कि सिर्फ नब्बे रुपए का ही रिफंड मिलना चाहिए आपको दस रुपए का हमको रिजेक्ट करना पड़ेगा तो रिजेक्ट ऐसे नहीं कर सकते रिजेक्ट करने के लिए आपको सबसे पहले शो चाहिए। ऑफिसर शुड इशू शोकॉस नोटिस ओके शोकॉस नोटिस इशू करेगा उसका हम रिप्लाई करेंगे इन जीएसटीआर, आर जीएसटी आर एफ डी जीरो हमने रिप्लाई फर्निश okay, कर दिया शोकॉस नोटिस का बराबर सो रिप्लाई को कंसिडर करने के बाद वो चेक करेगा कि रिप्लाई अगर बराबर है तो इसका सेंक्शन ऑर्डर पूरे का बनाएगा अदरवाइज अदरवाइज वो सेंक्शन ऑर्डर सिर्फ नब्बे का बनाएगा ठीक है जो दस रुपया रिजेक्ट करना था रिजेक्ट कर देगा वो एंड दिस सेंशन ऑर्डर इज अपीलेबल इसके अगेंस्ट हम क्या फाइल कर सकते हैं अपील फाइल कर सकते हैं जीरो okay. टू में, हम में हमको एक्नोलॉजमेंट मिलेगा अगर एक्नोलॉजमेंट नहीं मिलता तो डेफिशियम इन आर एफ डी जीरो से हम क्या करेंगे फ्रेश एप्लीकेशन वापस करेंगे अभी मान के चलो एक्सेप्ट हो गया तो आप

अगर ऑफिसर को कुछ रिजेक्ट करना है तो आर एफ डी जीरो एट में शोकॉस नोटिस दो उसका रिप्लाई हम करेंगे आरएफडी जीरो नाइन में उसके बाद बनेगा सेंक्शन ऑर्डर उसके बाद बनेगा पेमेंट ऑर्डर सो दिस इज एक्चुअल फ्लो फॉर्म नंबर का सीक्वेंस उल्टा सीधा इज एक्चुअल फ्लो ये वाला एक्चुअल फ्लो है वापस से बोल रहा हूं एप्लीकेशन एक्नोलेजमेंट इफ ऑफिसर वॉन्ट टू रिजेक्ट समथिंग शोकॉस नोटिस मिलेगा अपने को उसका रिप्लाई करेंगे उसका रिप्लाई के बाद सैक्शन ऑर्डर बनेगा एंड रिफंड पेमेंट ऑर्डर बनेगा समझ में दिस इज़ टू थ्री फाइव आई होप डिस्कशन इज क्लियर ओके अब एक छोटा सा डिस्कशन करते अपन अगर मान के चलो ऑफिसर को कुछ रिजेक्ट करना है okay. ने रिजेक्ट कर दिया. से सुनना? उसने रिजेक्ट कर दिया मैंने हंड्रेड का अप्लाई किया था उसने बोला सिर्फ नाइन्टी मिलेगा सो so, दस रुपया क्या हुआ रिजेक्ट हो गया समझा सो so, जो रिजेक्ट हुआ है वो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में वापस से आना चाहिए लेकिन डिपार्टमेंट क्या बोलता है मैं वापस दे दूंगा लेकिन पहले आप हमको अंडरटेकिंग दो पी एम में कि आप इस दस रुपए के लिए अपील फाइल नहीं करो अगर आप अपील में जाने वाले हो तो हम आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में रिक, रिक्रिएट नहीं करेंगे इफ यू गिव अस अंडरटेकिंग दैट यू विल नॉट फाइल अपील

एक्सेप्ट टू केसेस कौन से दो केसेस के एक्सेप्शन है सबसे पहलाई रिफंड क्लेम कर रहे हैं तो एक्सेप्शन अब यह सेक्शन क्या बोलते हैं रूल क्या बोलते हैं सुनो ये रूल है rule अब यह रूल क्या बोल रहे देखो लोग पहले क्या करते थे लोग पहले क्या करते थे सुनो मान के चलो कि इनके पास आई का बैलेंस है सौ रुपया आई का बैलेंस है इनको ये एन कैश करना है एन कैश करना है मतलब तो मेरे बैंक में चाहिए आईटीसी के लेजर में नहीं चाहिए बैंक में चाहिए तो मैं क्या करूंगा जान के जान बुझ के किसी से एडवांस लूंगा इसके ऊपर गवर्नमेंट को मैं जीएसटी पे करूंगा सौ रुपए का थ्रू आईटीसी टी सी ये ये एडवांस है बराबर एडवांस मेरे को मिला सौ रुपया एडवांस के ऊपर जीएसटी मैंने किससे पे किया आई से ठीक है मतलब एक्चुअल जेब से मैंने कुछ भी पे नहीं किया आईटीसी था आईटीसी से पे कर दिया ओके बाद में मैंने इशू किया सामने वाले को रिफंड वाउचर आई इशूड रिफंड वाउचर बोला कि अरे अरे अरे, अरे गलती हो गया ठीक है गलती हो गया एडवांस लिया पर सप्लाई नहीं कर पाया तो एक काम करो गवर्नमेंट मैंने जो आप लोग आपको सौ रुपया दिया था ना सौ रुपया दिया कैसे था आईटीसी से पर वो नहीं बोलेगा बोलेगा सौ रुपया जो आपको दिया था ना आप मेरे बैंक में डाल दो ना तो गवर्नमेंट बहुत भूलिए गवर्नमेंट डाल दिया बैंक में मतलब आईटीसी से तुमने पे किया एंड रिफंड लिया बैंक में समझ में आ रहा है ये और नो बोलो लिखो नो yes no? समझ में नहीं समझा मैं रिपीट करता हूँ नहीं समझा किसको किसको नहीं समझा बिजनस बोलो कोई इशू नहीं नहीं समझा ओके okay, ठीक है सुनो हंड्रेड रुपीज का मेरे पास आईटीसी था ओके okay? मेरे को क्या चाहिए था मेरे को ये हंड्रेड रुपीज आई के लेजर में नहीं चाहिए मेरे बैंक में चाहिए गवर्नमेंट बोलती है कि क्या आप एक्सपोर्टर हो मैं बोलता हूँ नहीं क्या आप इन्वर्टर ड्यूटी स्ट्रक्चर सप्लायर हो मैं बोलता हूँ नहीं तो गवर्नमेंट बोलती है कि नहीं मिलेगा सौ रुपया बैंक में जाओ आई में रहेगा नहीं मिलेगा तो मैंने एक तरकीब लगाई एक दिमाग में मैंने प्लान बनाया प्लान क्या बनाया एक काम करता हूँ किसी से मैं एडवांस लेता हूँ

अब मैंने गवर्नमेंट को बोला कि सर अरे मुझसे गलती हो गया मैं सप्लाई देने वाला था पर दे नहीं पाया ओके तो अभी आप एक काम करो मैं रिफंड वाउचर उसको इशू कर चुका हूँ ओके अब जो रिफंड वाउचर मैंने इशू किया है हंड्रेड रुपीज़ का मैंने आपको जीएसटी दिया था ना याद करो जीएसटी दिया था हंड्रेड रुपीज़ का अच्छा एक काम करो आप मुझे वो बैंक में वापस दे दो मैंने आपको दिया था ना आप मुझे बैंक में दे दो तो गवर्नमेंट पहले तक बैंक में दे देती थी मतलब पेमेंट किया पेमेंट किया आईटीसी से रिफंड लिया बैंक में ऑन अभी भी नहीं समझा पेमेंट किया आईटीसी से एंड रिफंड लिया बैंक में ओके okay? तो यहां पर गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किया कि ये लूप होल था बराबर इसके लिए गवर्नमेंट ने उस लूप होल को भरने के लिए रूल नाइनटी टू टू ए निकाला ओके okay? अब गवर्नमेंट क्या बोलती है अच्छा बेटा आपको रिफंड वाउचर इश्यू किया आपने बराबर अच्छा ठीक है तो हम आपको देंगे ठीक है लेकिन जो मोड से आपने पेमेंट किया होगा उसी मोड से आपको वापस मिलेगा यहां पर आपने आई से पेमेंट किया था सो तो आपको वापस भी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ही दिया जाएगा नॉट इन बैंक अकाउंट समझा समझा लेकिन दो केस में फिर भी बैंक अकाउंट में ही मिलेगा लेकिन दो केस में फिर भी बैंक अकाउंट में ही मिलेगा कौन से दो केस जीरो रेट सप्लाई ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स एंड डीम एक्सपोर्ट इसमें तो जेन्यून केस है बराबर है जेन्यून केस है ये तो इसमें आपको ऐसा नहीं होगा कि जो मोड से पेमेंट किया उसमें ही मिलेगा नहीं आप पेमेंट करो आईटीसी से फिर भी हम आपको बैंक में देंगे कौन से में ये दो मोड बाकी मोड्स में क्या होगा जो मोड से पे किया उसी मोड में मिलेगा ओके? एंड थर्टी रुपीज आपको कैश लेजर में दिया जाएगा समझ में आया सॉरी नॉट कैश लेजर आपको बैंक में रिफंड आ जाएगा गे? ये थर्टी रुपीज आपको बैंक में आएगा ऑब्वियसली एक ही बात है कैश लेजर में दिया तो आप बैंक में विद्रॉ कर सकते हो उससे गवर्नमेंट आपको सीधा बैंक में दे देगा आया समझ में आ, पर दो साल तक गवर्नमेंट को बरोबर उन लोगों ने लोगों ने बहुत येड़ा बनाया दो साल तक ओके okay. अभी एक अमेंडमेंट आया था अभी अमेंडमेंट सुनो एंड जीएसटी आर सेवन सॉरी जीएसटी आर एफ डी सेवन ए एंड बी ये दोनों एक्सप्लेन करूंगा अभी ओके okay. अभी बेसिकली क्या क्या बाकी है वो सुनो एक अमेंडमेंट बाकी है जीएसटी आर एफ डी सेवन का एक कंसेप्ट बाकी है एंड एग्जीबिशन uh, वाला पार्ट बाकी है ओके कंज्यूमर वेलफेयर फंड मैं नहीं बताने वाला हूं ओके सो अमेंडमेंट आर एफ डी जीरो सेवन एग्जीबिशन ये तीन चीजें करते हैं अभी अमेंडमेंट क्या बोलते हैं सुनो अगर मान के चलो कि आपका रिलेवेंट डेट था फिफ्टींथ अप्रिल टू थाउजेंड ट्वेंटी ट्वेंटी ओके दिस वॉज द रिलेवेंट डेट आपको रिफंड कब तक अप्लाई करना था विद इन टू ईयर्स फ्रॉम रिलेवेंट डेट मीन लास्ट डेट वुड बी फिफ्टीन फोर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू एग्जाम्पल okay. पर आपने अप्लाई किया यहाँ पर गवर्नमेंट गेव यूंसी मेमो समझ में आया मेमो मिलने के बाद क्या होता है फ्रेश अप्लीकेशन करते अब हम ट्वेंटी फर्स्ट को फ्रेश अप्लीकेशन करने चले और देखा तो क्या हुआ दो साल एक्सपायर हो गया ठीक है किसको किसको कंपेयर करोगे फिफ्टीन फोर एंड ट्वेंटी दो साल एक्सपायर हुआ ना ऐसे तो समझ में आ गया ये ये पॉइंट समझा सबको ये पॉइंट समझा ओके okay. अब सवाल ये आ रहा है कि क्या मैं रिफंड अप्लाई कर सकता हूं या नहीं कर सकता आंसर इज गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट लाया अभी जो आपके मई ट्वेंटी टू में जून ट्वेंटी एप्लीकेबल है अमेंडमेंट क्या बोलता है द टाइम पीरियड लॉस्ट बिटवीन

22 अप्रैल 2022 समझा एंड इफ आई एम फाइलिंग ऑन 21 इट इस वैलिड इन लॉ आया है समझ में दिस इज़ द अमेंडमेंट ओके नेक्स्ट आरएफडी 07 आरएफडी 07 का कॉन्सेप्ट ओके मान के चलो कि आपका जो आपका जो केस है ओके okay. वो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट हाय कोर्ट और अपीलेट अथॉरिटी में पेंडिंग चल रहा है ऑलरेडी पेंडिंग चल रहा है हायर अथॉरिटीज में अभी अगले साल का वापस से आपने अप्लाई किया तो ऑफिसर इतना पागल थोड़ी है कि बार बार रिफंड ऑर्डर इशू करेगा फिर वापस से आपको सेंक्शन देगा फिर आपको बोलेगा अप्लाई करो रिप्लाई करो शोकोस so नोटिस ये सब कुछ भी नहीं होगा फिर डिपार्टमेंट क्या बोलेगा आपने अप्लाई किया ना ठीक है हम आपके रिफंड को विदहेल्ड करते हैं विदहेल्ड करना मतलब डिपार्टमेंट ने रोक लिया बोला कि हम लोग वापस से ऑर्डर पास करेंगे ओके तो उसके बाद आप अपील में जाओगे से डिपार्टमेंट ऑफ ऑब्जेक्शन डालेगा फिर से और ऊपर जाएंगे पास दर एफ डी जीरो सेवन में पार्ट ए में क्या होता है विथ हेल्ड होता है रिफंड नहीं दिया जाएगा रोका जाएगा ओके okay? एक बार हायर अथॉरिटी बोलते हैं हाँ देना पड़ेगा अभी तो आर एफ डी जीरो सेवन के पार्ट बी में रिलीज ऑर्डर देना पड़ेगा एंड आर एफ डी जीरो सेवन पार्ट बी के बाद आर एफ डी जीरो सिक्सन आर एफ डी जीरो सिक्स सेंक्शन ऑर्डर आएगा उसके बाद पेमेंट ऑर्डर समझ में क्लियर तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट एंड अपील अथॉरिटी इन लोग का केसेस आने दो उसके बाद हम रिलीज करेंगे रिलीज करेंगे तो रिफंड ऑर्डर मिलेगा और अगर वो लोग हार गए ऊपर तो हम रिजेक्ट कर देंगे ओके okay. मतलब आप लोग फिर वापस से अपील में जाना समझ में आया सो टिल द टाइम केस इज पेंडिंग ट कीप इट ऑन होल्ड इसको बोलते हैं रि, रिफंड का विधहल्ड ऑर्डर एंड रिलीज ऑर्डर आया समझ में डन विथ इट लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर एग्जीबिशन मगर आपने इंडिया के बाहर एग्जीबिशन में कुछ गुड्स को भेजा है सप्लाई काइंड ऑफ गुड्स एंड ऑन अप्रूवल बेसिस ओके तो गवर्नमेंट क्या बोलता है जो एग्जीबिशन में गुड्स जाएगा इट इज नॉट अ सप्लाई सो इट इज नॉट अ जीरो रेटेड सप्लाई ये जीरो रेटेड सप्लाई नहीं है ओके okay, तो यहाँ पर एल की कोई गुंजाइश नहीं है विथ पेमेंट ऑफ टैक्स पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक्सपोर्ट ही नहीं है ओके okay. लेकिन जो गुड्स इंडिया के बाहर गया है उसको आपको छः महीने के अंदर वापस लाना पड़ेगा या फिर आप बेच दो या फिर छः महीने के अंदर लाओ अगर आपने बेच दिया ठीक है तो टैक्स इन्वायस बना दो जीरो डेट सप्लाई मान लेंगे हम लोग एंड आप रिफंड क्लेम कर लो एंड अगर छः महीने में नहीं बिका तो गुड्स को जो भी गुड्स आपने भेजा था उसका टैक्स इन्वायस बनाओ हम उसको सप्लाई मानेंगे आपसे जीएसटी ले लेंगे लेकिन हम रिफंड नहीं देंगे रिफंड सिर्फ उन्हीं गुड्स का मिलेगा जो छह महीने के अंदर अंदर बिक चुके हों ओके एंड टैक्स उन गुड्स पर नहीं लगेगा जो महीने के अंदर अंदर वापस आ गए ओके okay? अगर छह महीने के अंदर वापस आ गए सो नो टैक्स वुड बी लेविट अगर छह महीने तक गुड्स भी वापस नहीं आए एंड सेल भी नहीं किया तो जीएसटी पे करो समझ में आया बात दैट इट विथ रिफंड चैप्टर खत्म रिफंड चैप्टर इज कम्प्लीटेड रिफंड चैप्टर अपना हो गया